हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल महाजन और आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे कि हम लेम्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लेम्स थ्योरम के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेम्स थ्योरम में हमारे टॉपिक जो रहने वाले हैं उनकी अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हमारे, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ लेम्स थ्योरम, कि लेम्स थ्योरम है क्या। ठीक है, और उसके बाद में हमारा होगा एप्लीकेशंस, कि लेम्स थ्योरम की एप्लीकेशन क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैसे हम कहाँ यूज करते हैं, ये होगा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो लेम्स थ्योरम के हमने देखा था कि लिमिटेशंस अगर बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या होगी, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको दिख रहा है लेम्स थ्योरम की अगर बात किया है, स्टेटमेंट इसका दिया है, इफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बियर्स द सेम प्रोपोर्शनलिटी विथ द सिंस द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। लेम्स थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज ऑफ साइंस। मतलब अगर इसमें बात किया है लेम्स थ्योरम की, चलो मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी लेकर आया हूँ, बताता हूँ कि यदि एक कण पर तीन बलों द्वारा कार्य किया जा रहा है, मान लीजिए कोई कण है उसके ऊपर तीन बलों द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसमें बता रहे हैं कि वह संतुलन में रहता है, तो कण पर अभिनय करने वाला प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण के समानुपाती होता है। ठीक है, इसमें कहा है लेम्स प्रमेय को, उसको ज्या का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, या आप उसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक डायग्राम की हेल्प से ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि जैसे किसी पॉइंट के ऊपर, किसी प्लेन पर, किसी बिंदु के ऊपर तीन बल लग रहे हैं जो कि कैसे है, संतुलन में है। ठीक है, जैसे आपका हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चल लेते ए बी सी मान के चल लेते इनको। तो जैसे देखिए आपका बल, आपका मान लीजिए कोई पी बल लग रहा है, इसको हमने ए से मान लिया, तो यहां पर आ जाएगा आपका साइन अल्फा, ये इसके अनुपात होगा जो उसके अपोजिट में होगा। ठीक है, क्यू अपॉन साइन बीटा, अगर हम बात करते हैं कि आपका जैसे ये फोर्स लग रहा है बी वाला, तो ये आपका कोई क्यू फोर्स है, तो इसके जो ये फोर्स होगा इन दोनों के फोर्स के जो साइन के ज्यामिति के समानुपाती होगा। ठीक है, और फिर ये सी वाला फोर्सेस जो लग रहा है या जिसे हम आर भी कह सकते हैं, तो ये गामा के समानुपाती होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बल आपके इक्विलिब्रियम में जब रहते हैं तो उस समय हमारा एक बल काम करता है जिसे कि हम लेम्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये काफी मैथमेटिकल सॉल्यूशंस करने के लिए हमें उपयोग में आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखा जाए तो चलिए मैं आगे आपको बताते हुए चलता हूँ।